नमस्कार साथियों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 9 जिले की भर्ती संबंधी सूचना आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। 4 जिले में नई भर्ती आई हुई है और 5 जिले में जो पहले से भर्ती प्रक्रिया चल रही है उनके लिए दावापत्ति पात्र सूची इस प्रकार से सूचनाएं अपडेट आया हुआ है। तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके मिलने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे, और यदि आप चैनल में नए हैं, इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, क्योंकि आप को अगर अच्छा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। पहला नोटिफिकेशन, जिला खनिज न्यास निधि उत्तर बस्तर कांकेर में 5 सितंबर 2023 को भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिनके लिए दावापत्ति सूची जारी की गई है। दावापत्ति सूची के उपरांत जो है 12 दावा प्राप्त हुआ है, जिनका निराकरण सूची जारी की जा रही है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कौन कौन से पद के लिए भर्ती हुआ है। तो विकास समन्वय के 1 लेखापाल के, 1 सहायक ग्रेड 3 के, 2 एमभृत्य के, 1 रिक्त पद की भर्ती निकली हुई थी, जिसके लिए जो है निराकरण सूची, सामान्य मेरिट सूची, दस्तावेज सत्यापन परीक्षा हेतु पदवार प्रतिभागियों की सूची जारी की जा रही है, जिसमें वृत्त पद के सूची प्रकाशित नहीं की जा रही है। प्रकाशित सूची में उल्लिखित समस्त अभ्यर्थी दिनांक 20/8/2024 दिन मंगलवार को कार्यालय लाइवलीहुड कॉलेज गोविंदपुर कांकेर में उपस्थित होंगे, जहां उनके मूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। वृत्त पद के 45 अभ्यर्थियों के अंक ग्रेड पर आधारित है। उन अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है जो दिनांक 16/8/2024 तक अपने शिक्षण संस्थानों से अंक सूची प्राप्त कर जिला पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो अंक ग्रेड में है उसको परसेंट में कन्वर्ट करा करके आपको जो है 16/8/2024 तक शिक्षण संस्थान से अंक सूची प्राप्त कर जिला पंचायत कार्यालय कांकेर में प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार से यह नोटिफिकेशन उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा द्वारा दावापत्ति निराकरण सूची की सूचना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी उनके लिए दावापत्ति निराकरण की सूची कोरबा जिला के वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। इस प्रकार से आप जो है विभागीय सूचना पटल में अवलोकन कर सकते हैं साथ ही साथ। तो इस प्रकार से विज्ञापन क्रमांक के अनुसार, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला कोरबा के द्वारा 3/10/2023 के विज्ञापित संविदा पद हेतु प्राप्त दावापत्ति की निराकरण सूची 18 पेज के PDF है। PDF आपको सीधे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन मुंगेली जिला से, देखिए WDCPMKSY 2.0 सोनपुरी नाला मुंगेली पथरिया अंतर्गत रिक्त संविदा पद पर वाटर सेट सचिव के भर्ती हेतु पात्र अपात्र दावापत्ति सूची प्रकाशित की जा रही है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार की कुछ दावापत्ति प्रस्तुत करना है तो 14/8/2024 तक सायं 5 बजे तक दावापत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दावापत्ति 7 तारीख से 14 तारीख तक दावापत्ति प्रस्तुत करना है। सूची इस प्रकार से संलग्न है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो सूची आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कार्यालय उपसंचालक कृषि जिला महासमुंद जल प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र द्वारा, इस प्रकार से ये भी माइक्रो वाटर सेट के अंतर्गत ही है। 14/8/2024 तक इनके लिए भी आपको दावापत्ति प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, इसके लिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं परियोजना का नाम कौन कौन सा है। WDCPMKSY के अंतर्गत महासमुंद और पिथौरा, इनके जो माइक्रो वाटर सेट का नाम ये है। ठीक है, और दावापत्ति प्रस्तुत कहाँ किया जाना है, इसके लिए ये पता दिया गया है। ठीक है, तो आप जो है दावापत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, सूची आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कमार आवासीय विद्यालय केशो डार जिला गरियाबंद में अतिथि शिक्षक रखने के संबंध में, तो देखिए इसके लिए जो है 11/6/2024 के तहत कमार आवासीय विद्यालय केशोडोर जिला गरियाबंद में निवासरत विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षक हेतु 21/6/2024 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि सुधार हेतु दावापत्ति कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गरियाबंद में 8/8/2024 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 8/8/2024 तक आप दावापत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। इस प्रकार से यह सूची दिया गया है, कमार आवासीय विद्यालय केशोडोर गरियाबंद में अतिथि शिक्षक के आयुक्तों की सूची इस प्रकार से दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं नई भर्ती की। ठीक है, तो कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बास्तानार बड़े किले पाल जिला बस्तर में विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार से गेस्ट लेक्चरर के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए आवेदन आपको कहाँ प्रेषित करना है, तो प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बास्तानार जिला बस्तर छत्तीसगढ़ 4
9444-2 में आवेदन कर सकते हैं और 25/8/2024 तक शाम 5 बजे तक ही जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से पद हैं। तो कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग के लिए एक पोस्ट है बास्तानार में, ठीक है, और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए जो तोकापाल है वहाँ भी एक पोस्ट है, और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बास्ताना है वहाँ भी। तो इस प्रकार से कुल 3 पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं गेस्ट लेक्चरर के लिए, ठीक है, तो जिनके पास भी संबंधित योग्यता है वे आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जिनके पास ये योग्यताएँ हैं, ठीक है, वे इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए जिनके पास ये योग्यता है वे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कैसे करना है, ठीक है, तो आवेदन देखिए आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा करना है। इस पते पर आपको आवेदन प्रेषित करना है। 8 पेज का यह PDF है जिसमें संपूर्ण जानकारी दिया गया है, नियम एवं शर्तें। यदि आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये रहा आवेदन का प्रारूप, इसी प्रारूप को भर करके आपको बताए गए पते पर बताए गए समय से पहले आपको जो आवेदन प्रेषित करना है। ठीक है, PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगला भर्ती कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीजापुर द्वारा, देखिए जिला सूचना अधिकारी जिला बीजापुर द्वारा, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार से देख सकते हैं 28/8/2024 संध्या 5 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला बीजापुर अंतर्गत, ठीक है, यह विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार से देख सकते हैं ANM के पोस्ट है, ठीक है, कितने पोस्ट है, कुल 3 पोस्ट है, ST कैटेगरी के बता दिया है, और 12,000 सैलरी रहेगा। और देखिए इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, 12th पास, ANM पास, उसके बाद जो है ट्रेनिंग सेंटर लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो काउंसिल है, नर्सिंग काउंसिल है वहाँ आपका, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है, एक पोस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट के लिए 5 पोस्ट है। देखिए कैटेगरी वाइज भी बता दिया है सैलरी क्या रहेगा, और साथ ही साथ आपको साइड में देख सकते हैं कि इनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 4 पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर के 3 पोस्ट है, फार्मासिस्ट के 1 पोस्ट है, उसके देखिए स्टाफ नर्स के 1 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट के आडियोमेट्रिक के 1 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए 1 पोस्ट है, रेडियोग्राफर के 6 पोस्ट है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुल 44 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, तो आप जो है कब तक आवेदन कर सकते हैं, तो 28 अगस्त तक जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट और देख सकते हैं और पोस्ट हैं, ठीक है, जो लेबोरेटरी है उसके लिए 7 पोस्ट है, कम्युनिटी हेल्थ के लिए 7 पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट है, आयाबाई के 1 पोस्ट है, और HWC संगवारी के लिए भी 1 पोस्ट है। इस प्रकार से देख सकते हैं। आवेदन का प्रारूप मैं आपको नीचे दिखा दे रहा हूँ, इसी के आधार पर आप जो है क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। डॉक्यूमेंट देख सकते हैं आप, क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है, जो आपके लिए लागू होता है वे सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके देखिए इसके लिए ये भी दिया गया है, कुछ शुल्क रखा गया है, ठीक है, तो आप फॉर्म फिलअप करते समय आपको कुछ शुल्क देने होंगे। तो देखिए आवेदन शुल्क क्या रहेगा, ठीक है, यदि सैलरी 25,000 से कम है तो दिव्यांग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये रहेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 से 200 रहेगा, अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रहेगा, यदि 25,000 से ज़्यादा सैलरी रहेगा तो इस प्रकार के शुल्क लागू रहेंगे। ठीक है, ओके, तो आपको जो है फीस कैसे पे करना है, तो प्रत्येक पद अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे और उसके लिए अलग अलग शुल्क देने होंगे। शुल्क देखिए इस डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो है शुल्क पटाने होगा। पेएबल ब्रांच बीजापुर CGSBI के लिए, ठीक है, बैंक शाखा के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट बनाकर, ठीक है, तो बैंक ड्राफ्ट कहाँ बनेगा, आप बैंक जा कर के बनवा सकते हैं। ठीक है, तो SBI बैंक जा कर के आप जो है इसके लिए बैंक ड्राफ्ट बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी बैंक जाके बनवा सकते हैं, लेकिन देखिए SBI के नाम से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट भर्ती कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा खेल एवं युवा कल्याण अंतर्गत है। वॉक इन इंटरव्यू की सूचना 21 अगस्त 2024 को समय 11 बजे से कार्यालय कलेक्टर संकनी सभा कक्ष जिला दक्षिण बस्तर
दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से कौन कौन से उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो कबड्डी प्रशिक्षक कोच और बेसबॉल प्रशिक्षक कोच, ठीक है, दोनों के लिए एक एक पोस्ट है। सैलरी आप देख सकते हैं, ठीक है, सैलरी क्या रहेगा, तो NIS डिप्लोमा है तो 40,000 मिलेगा और 60 NSI किसी मान्यता प्राप्त संस्था से है तो 35,000, NSI डिप्लोमा है तो 40,000, 60 NSI किसी भी मान्यता प्राप्त तो 35,000 और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है तो 35,000। तो इस प्रकार से कोच के लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा 21 अगस्त 2024 को। नियम एवं शर्तें चयन की प्रक्रिया इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्या रहेगी। शैक्षणिक जो चयन की प्रक्रिया आप स्वयं इसको देख सकते हैं, यदि डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये रहेगा आपका क्या रहेगा, ये जिस दिन आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए उस दिन इसको भर करके लेकर के जाना रहेगा, ठीक है, और वहाँ फिर पंजीयन करा करके आपको इंटरव्यू में भाग लेना रहेगा। लास्ट भर्ती सूचना कार्यालय कलेक्टर खेल एवं युवा कल्याण जिला बालोद छत्तीसगढ़ के लिए। खेलो इंडिया लघु केंद्र वेट लिफ्टिंग बालोद हेतु प्रशिक्षक का चयन के संबंध में वॉक इन इंटरव्यू 22 अगस्त 2024 को है। तो देखिए 22 अगस्त 2024 को प्रातः 11 बजे से स्थान कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी दल्ली राजहरा अनुविभाग डौंडी जिला बालोद में आयोजित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन विज्ञापन जारी दिनांक 6/8/2024 से 20/8/2024 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला खेल अधिकारी खेल एवं युवा कल्याण बालोद सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान बुद्धियादी स्कूल मैदान जिला बालोद में रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते हैं। दिनांक 20/8/2024 के सायं 5 बजे के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं इस बताए गए पते पर आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है, लेकिन जो पहला नोटिफिकेशन बताया वहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है, और इंटरव्यू का आयोजन जो है 22 अगस्त को किया जाएगा, 20 अगस्त तक आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसकी सैलरी 25,000 मासिक रहेगी और योग्यता इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है, पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता, चौथी वरीयता, ठीक है। तो जिन पहली वरीयता मतलब ये इनके पास जो सर्टिफिकेट रहे, जिनके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा उनको पहला मौका मिलेगा। इस प्रकार से इनमें वरीयता का क्रम निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। आवेदन का फॉर्मेट यह है, इस फॉर्मेट को आपको जो है बताए गए पते पर सेंड करना है, ठीक है। तो यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। सभी प्रकार के PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर से एक वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़।